तो हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो दोस्तों, यहाँ टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, LPG, CNG या फिर पेट्रोल, तो दोस्तों यहाँ कौन से भी फ्यूल पे ऑटो चलता है और आपको जो प्रॉब्लम होते हैं, जैसे ठंड में होता है, गर्मी में होता है या बारिश में, तो दोस्तों यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग स्टार्टिंग के ट्रबल, जो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम होते हैं, तो दोस्तों ऐसे में पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक कोई भी गाड़ी हो तो उसमें कोई अलग अलग स्टार्टिंग ट्रबल के अलग अलग। तो ऑटो रिक्शा ज्ञान में आज मेरे साथ है महबूब भाई और उनके बाजू में टू स्ट्रोक गाड़ी के ऑनर। दोस्तों इनकी उम्र 50 या 60 के ऊपर है, पर दोस्तों इनका अनुभव कभी कभार मार खा जाता है। तो दोस्तों यहाँ इन चीज़ों के बारे में बता। सबसे पहले लोकल रेगुलेटर किट होता है, ये इवेंटेक्स कंपनी का है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ बहुत से ऑटो ड्राइवर, आपको पता है, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक कोई भी हो तो घर का गैस यूज़ करते। तो दोस्तों ये सबसे पहले काम करने से पहले आपका जो टैंकी है गैस की, उसे ऑफ़ कर देना, मतलब उसको बाहर निकलने वाली गैस उसे ऑफ़ कर देना, जिसके कारण बाकी कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों वो होने के बाद स्टेप दूसरा होता है वैसे रेगुलेटर खोलने का। तो यह आप देख सकते हैं, एक आने वाला पाइप और एक जाने वाला, मतलब एक इन और एक आउट होता है, उसे अच्छी तरह से देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ काम करते समय ध्यान देना, घर का गैस होता है वो बहुत ही ज्वलनशील, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम ऐसा होता है दोस्तों। लोग घर का गैस यूज़ तो करते हैं, पर दोस्तों इसमें कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम होते हैं। पर दोस्तों ये प्रॉब्लम अलग है और मैं गाड़ी का जो प्रॉब्लम अलग है। तो दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, ये टू स्ट्रोक गाड़ी है, तो ये दोस्तों भाई ने बाहर से जो लोकल गैरेज से फिटिंग की है, उसके बाद इसका ऊपर का हिस्सा देख सकते हैं, ये चीज़ इससे प्रॉब्लम दे रही थी। दोस्तों यहाँ जब गाड़ी में 4 या 5 किलो गैस भरने के बाद गाड़ी अच्छे से चलती, पर वैसे 2-2.5 किलो गैस ख़त्म होने के बाद गाड़ी में जो प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से होता है, तो ये छेद बंद हो जाता है या फिर स्टार्टिंग ट्रबल शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसे इस तरह करना है काम, तो महबूब भाई बताएंगे। और ये ऑनर है, इस तरह हंस रहे हैं, उनको पता है गलतियाँ क्या होती है, तो ये गलतियाँ आप ना करें और अच्छे कंपनी और थोड़ा ब्रांडेड कंपनी का LPG गैस हो या CNG। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, इसको ऊपर का हिस्सा है, जो ऊपर एक बर थी लोहे की, उसे कानस फाइल जो भी आप कहते हैं आपके भाषा में, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और आपके अच्छा मिस्त्री फिटर जो भी हो उसे ये काम कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ लोकल गैरेज में जो फिटिंग होती है, उसके बाद माइलेज, कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, ये बढ़ जाता है, और आपका गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो नहीं हो जाते। तो दोस्तों ये पैसे कमाने की जगह पैसे आपके ज़्यादा चले जाते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है, मैं अनिल बागुल और मेरा दोस्त महबूब और ये गाड़ी के ऑनर। तो इन चीज़ों में मैं बताने का मतलब यही होता है दोस्तों, आप पैसे कमाने की जगह आपका खर्चा और बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह बहुत से आप फिटर लोग, कोई भी मिस्त्री या फिटर, आपको पता है ये ज़्यादा करके पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता है। पर दोस्तों कभी कभार क्या होता है, हर एक चीज़ का मतलब हर एक को पसंद होता है, गैस, LPG, CNG या पेट्रोल, जो भी हो आपकी पसंद, हमारा काम है बताना। तो दोस्तों ये काम हो चुका है, और इसी छोटी मोटी चीज़ें के लिए मैं LPG, CNG हो या पेट्रोल की वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों अभी फिटिंग हो चुकी है रेगुलेटर की, और उसके बाद आपको जो गैस टंकी की सप्लाई फिर से चालू कर देनी है। तो खोलते समय भी देख सकते हैं, जैसे आपने ऊपर से नीचे या लेफ़्ट से राइट करना है, पता हो तो ही काम करना है, या मिस्त्री जो इसको पता है LPG CNG का, उसके पास ही जाम करना है, उससे आपको गाड़ी को तकलीफ ना हो। तो दोस्तों यह गाड़ी का काम पूरी तरह हो चुका है, और जो प्रॉब्लम है अभी देखते हुआ या नहीं। और तो दोस्तों यहाँ मैं अनिल बागुल और मेरा चैनल का नाम ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए मुझे लाइक और फॉलो और बेल आइकन दबाना, आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय। ऐसा कर दे अभी।